ठीक है, तो हम लोग लेक्चर सिक्स में आते हैं। इससे पहले जो भी एक पढ़ाई हुआ है उसका मैं एक शॉर्ट रिकैप बता देता हूँ। हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे प्रोजेक्टेबल के बारे में। प्रोजेक्टेबल क्या होता है आपको पता ही है। प्रोजेक्टेबल जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे लिविजर का कॉन्सेप्ट। लिविजर ने एलिमेंट को दो भागों में बांटा था, मेटल और नॉन मेटल। देन हम लोग पढ़े थे प्राउट हाइपोथेसिस, फिर हमने पढ़ा था डोमिनियर ट्राइड्स, फिर हमने पढ़ा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर हमने पढ़ा था मेंडलीव। मेंडलीव के बाद हम लोग पढ़े थे मॉडर्न पिवोटेबल। मॉडर्न पिवोटेबल में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आगे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिवोटेबल भी पढ़ चुके हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिवोटेबल में आपको मैंने बताया था कि लॉन्ग फॉर्म जो है उसको रैंक और वर्नर ने प्रपोज किया था, और ये जो लॉन्ग फॉर्म है वो बोर ब्यूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट पे है। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी आपका क्या है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सबसे पहला पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन सा पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे है। जैसे एक क्वेश्चन एक नंबर का बनता है कि मेनली प्रोडिक्टेबल का बेसिस क्या है, तो आपको पता होगा एटॉमिक मास। मेनली प्रोडिक्टेबल जो है एटॉमिक मास पे है, और मॉडर्न प्रोडिक्टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडिक्टेबल जो है वो आपका किस पे है बाबू, एटॉमिक नंबर पे है। ठीक है, याद होगा आपको। इसमें कुछ पॉइंट है, मैं फिर से उसको रिकैप कर दे रहा हूं। इट इज proposed by Rank and Werner, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रपोज किया था। और अगला इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, बोर ब्यूरी। तो ये तीन पॉइंट आपको लॉन्ग फॉर्म के बारे में जरूर याद रखना है कि ये आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। इसको रैंक और वर्नर प्रपोज किया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ये जो लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, जिसको बोर ब्यूरी देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पीटी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी, लेंथ नोएड एंड एक्टिनोएड केप्ट सेपरेटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग फॉर्म का, क्योंकि इससे पहले तक लेंथनोइड और एक्टिनोइड सीरीज को कोई जगह नहीं दिया गया था। इन दिस पीटी लेंथनोइड एंड एक्टिनोइड केप्ट सेपरेटली। ठीक है, और कहां से निकाला गया है तो आपको पता होगा, जो आपका लेंथनोइड है बाबू, जो आपका लेंथनोइड है उसको हम लोग निकालते हैं पीरियड सिक्स से, पीरियड सिक्स से। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा ग्रुप थर्ड से। ठीक है, और आपका अगला पॉइंट है कि एक्टिनाइड कहां से निकाला गया है, तो ये निकाला गया है आपको पीरियड सेवन से, और ये भी ग्रुप थ्री से बिलोंग करता है। तो ये है हम लोग का लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में जो भी पॉइंट था मैंने बताया आपको। आप इसको जरूर अच्छे से याद रखना। इसमें दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रैंक और वर्नर, और ये जो पीरियड टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, जिसका बोर ब्यूरी का रिलेशन है। अगला है कि सबसे जो लास्ट इन पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी
प्रीवी टेबल में लेंथनाइड और एक्टिनाइड को कोई जगह नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इनको सेपरेटली रखा गया था। लेंथनाइड को हम लोग कहाँ से निकाले, पीरियड सिक्स से और ग्रुप थर्ड से, और एक्टिनाइड को पीरियड सेवन से और ग्रुप थ्री से। ठीक है, आगे हम लोग को लॉन्ग फॉर्म का जो पढ़ना है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये टर्म है यूपीएक नोमेनक्लेचर, यूपीएक नोमेनक्लेचर फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, देखना बाबू, 100 के बाद जो एलिमेंट की डिस्कवरी हुई उनके नाम में आपको पता होगा सोवियत संघ, एक आपको 104 एलिमेंट है जिसके नाम में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में विवाद छिड़ गया था। इसको सोवियत संघ वाले बोलते थे कुर्चो साइंटिस्ट के नाम पे था, और ये अमेरिका वाले इसका नाम रदरफोर्ड के नाम पे आरएफ रखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी विवाद होने के बाद यूपेक कमेटी ने बीच में आके जो भी 100 के पार्ट एलिमेंट थे उनको एक यूपेक नेमिंग के अकॉर्डिंग नाम दिया गया। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग 100 के पार नेमिंग करते हैं। 100 के पार के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। सबसे पहले मैं ये जीरो के लिए हम लोग नील यूज करते हैं, वन के लिए यूएन, टू के लिए बाबू बाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए क्वाड। एक यहाँ गलती होगी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथ इथ ब्यूट पेंट यूज होता है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ हम लोग लिखते हैं क्वाड। पांच के लिए हम लोग लिखते हैं बाबू क्या, पेंट। छह के लिए बाबू लिखते हैं हम लोग हेक्स, और सात के लिए बाबू आपसे गलती होगी कन्फर्म, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सात के लिए हम लोग हेप्ट लिखते हैं बट यहां हम लोग लिखते हैं सेप्ट। आठ के लिए लिखते हैं हम लोग ऑक्ट, और नाइन के लिए हम लोग लिखते हैं इन। ठीक है, इन सब का फिर शॉर्ट फॉर्म है। तो जीरो के लिए हम लोग पूरा नील नहीं लिखते हैं, सिर्फ एन लिखते हैं, इसके लिए हम लोग यू लिखते हैं, इसके लिए हम लोग बी लिखते हैं, इसके लिए टी, इसके लिए क्यू, फाइव के लिए पी, यहाँ एच, यहाँ एस, यहाँ ओ और यहाँ ई। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अगर हमको 101 का नाम लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम लोगों को 101 का नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। तो 1 के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं बाबू, अन लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग टर्म लिखते हैं सोडियम, और क्या लिखते हैं क्लोराइड। आपको ये कॉमन सेंस होगा, छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है कि मेटल के नाम में आई यू एम लगता है, जैसे पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, ब्रिलियम, तो जो भी मेटल होते हैं उनके नाम में क्या लगा होता है, आई यू एम। 100 के पार जो भी एलिमेंट है सब आपके मेटल है, तो एक चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है, 100 के पार जो भी एलिमेंट है सब मेटल है, तो उनके नाम में क्या लगेगा बाबू, आई यू एम। ठीक है, तो 101 का क्या होगा, अन नील अन यम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं यू, जीरो के लिए हम लोग लिखते हैं एन, और फिर एक के लिए क्या लिखते हैं यू, तो यू एन यू। ठीक है, 102 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक के लिए लिखेंगे बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, अन, जीरो के लिए फिर हम लोग लिखेंगे नील, दो के लिए क्या लिखेंगे हम लोग बाबू, बाई अम, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बताइए, तो एक के लिए होगा हम लोग का यू, बोलो, जीरो के लिए हम लोग का एन है, और लास्ट में क्या है, बी है। तो ऐसे करके हम लोग 110 तक या 118 तक काम कर सकते हैं, अन नील ट्राइम यू एन टी। 104 के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, अन नील क्वाड क्वाडियम और यू एन क्या लिखेंगे, क्यू। 105 के लिए क्या करेंगे हम लोग बाबू, अन नील पेंटियम,
पेंटियम, ठीक है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, UNP। 106 के लिए क्या करेंगे हम लोग, यू अनिल हेक्सियम, UNH, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसको 118 तक कीजिएगा, और जहां भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वन हंड्रेड सेवन के लिए क्या लिखेंगे लोग, अनिल सेप्टियम, सेप्टियम का स्पेलिंग होगा SEPTIUM, सेप्टियम, UNS। 108 के लिए अनिल ऑक्टियम, UNO। 109 के लिए अनिल इनियम, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, UNE। तो मैं आपको 110 तक कर दिया हूँ, आपको 110 के आगे करना है, और कोई अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। यहाँ देखना 110 का बात, 110 में वन लेटर दो बार है, तो अन अन दो बार आएगा, अन नीलियम, और फर्स्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यू यू, और जीरो के लिए अन। तो ये यूपेक नोमेनक्लेचर है, ये लास्ट टाइम 19 के बाद भी मेंस में पेपर में आया है, तो नीट में भी आएगी, क्योंकि ये बोर्ड सिलेबस है, जस्ट बोर्ड का टॉपिक है यूपेक नोमेनक्लेचर, तो ये आपको आएगा, ये मेंस में पिछले ईयर में आया है, PYQ में है। आगे हम लोग को अगला टर्म पढ़ना है कि पीरियड टेबल का क्लासिफिकेशन। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ कि जो हम लोग का पीरियडिक टेबल है बाबू, उसको चार ब्लॉक में हम लोग बांटते हैं, हम लोग का जो पीरियडिक टेबल है उसको चार ब्लॉक में बांटते हैं। पहला है हम लोग का एस ब्लॉक, क्या है, एस ब्लॉक। दूसरा है बाबू हम लोग का पी ब्लॉक, नेक्स्ट है हम लोग का डी ब्लॉक, और लास्ट है हम लोग का एफ ब्लॉक, जो हम लोग का लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियड टेबल है। लॉन्ग फॉर्म की हम लोग बात करते हैं क्योंकि हम लोग यूज लॉन्ग फॉर्म ही करते हैं। तो जो हम लोग का बाबू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल है उसमें चार ब्लॉक है, पहला है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो सबसे बड़ी बात है कि ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। हम लोग का जो पीरियड टेबल है वो सब चीजों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से डील करता है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ क्या बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन लिखना है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाता है तो उसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं, अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी ब्लॉक बोलेंगे, एफ में बोलेंगे तो एफ ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, जो हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है या ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो पीरियडिक टेबल है वहां मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो बाबू क्लासिफिकेशन है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप बोल सकते इंटर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। मैं रैंडमली कोई एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे हम लोग मान लो कि सोडियम यूज करते हैं, आप कुछ मत करो, सबसे पहले कॉन्फिगरेशन लिखो, कॉन्फिगरेशन लिखने आता हो आपको, पिछली क्लास में सिखाया गया है, 1s2
2s2 2p6 3s1। जब 11 इलेक्ट्रॉन सबसेल में करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपको पता होगा सबसे पहले 1s सबसेल बढ़ता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s 2p 3s1। तो आपको देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। तो यहाँ चार सबसेल, एक s सबसेल है, ये s सबसेल है, ये p है और s है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है s सबसेल में। तो ये कन्फर्म है कि सोडियम जो है बाबू आपका क्या है, s ब्लॉक। मतलब किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s में जाता है तो उसको s ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं यहां डेफिनेशन, दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबसेल। दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबसेल आर नोन एज क्या बाबू, एस ब्लॉक एलिमेंट, आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो सोडियम देख सकते हैं आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। उसके अलावा एग्जांपल दिखाता हूं मैं, जैसे आप मैग्नीशियम लेते हैं 12, इसको कॉन्फिगरेशन लिखिए इसका 1s2 2s2 2p6 3s2। देख सकते हैं इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। तो ये भी आपका क्या है बाबू, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जिस किसी एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब जो हम लोग का जो लॉन्ग फॉर्म है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, और 7 पीरियड है। 18 वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग का एस ब्लॉक है, उसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक आता है ग्रुप 1 और एक क्या आता है, ग्रुप 2, ठीक है। उसको हम लोग फर्दर डील करते हैं कि एस ब्लॉक में क्या क्या सीन है। तो देखना बाबू, एस ब्लॉक जो है उसमें कौन कौन सा ग्रुप है। तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है वो एस ब्लॉक होता है। देखना मैं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और क्या, फ्रांसियम। इधर की बात करें तो हम लोग बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और क्या है, रेडियम, ठीक है। अब देखना बाबू, मैं सबका वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का आपको पता होगा 1s1 होता है, लिथियम का क्या होगा 2s1, सोडियम का 3s1, पोटासियम का 4s1, 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रांसियम का 7s1। अगर आप इस सब का कन्वर्शन लिखिएगा तो देख रहे हैं आप सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का लास्ट, हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में जाएंगे। लिथियम का आप एग्जांपल देख सकते हो, 3 है तो 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया बाबू, एस में। अभी मैंने सोडियम लिखा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सोडियम 11 है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया बाबू, एस में। ऐसे ही हम पोटासियम की बात करते हैं, पोटासियम का होता है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट ग्रुप 1 में आएंगे सबका आउटर मोस्ट, सॉरी सबका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एस में जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको एस ब्लॉक एलिमेंट में रखते हैं। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं सबका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर कर रहा है, एस सबसेल में इंटर कर रहा है, तो इसको हम लोग एस ब्लॉक में रखे हैं। अगला देखना बाबू, जो हम लोग का ग्रुप 3 है, सॉरी ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में जो भी एलिमेंट होंगे, आपको बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन याद होगा 4, 1s2 2s2, हम लोग
लास्ट का लिखेंगे 2s2। मैग्नीशियम क्या होगा आपका 3s2, ये आपका क्या होगा 4s2, स्ट्रॉन्टियम 5s2, और ये आपका 6s2, और ये आपका क्या होगा बाबू 7s2। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहां बाबू एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, मैजिक नंबर। जैसे आपको यहां पे हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा, जैसे आप इस ग्रुप में हैं, ठीक है, आपको फ्रांसियम का डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पूछे तो आप क्या कीजिएगा। हम लोग एटलीस्ट 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखते हैं, और 30 तक आपको याद भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में पेपर पे एटॉमिक नंबर सबका दिया रहता है, जेई में, नीट में, सबका। लेकिन एटलीस्ट हम लोग 30-50 तक याद रखते हैं, बच्चों को याद करवाते हैं। अगर लेकिन लास्ट में आपसे फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर पूछ लिया तो आप क्या कीजिएगा, क्या आप फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? अगर मान लीजिए बुक में नहीं लिखा हो, क्वेश्चन में आपको पेपर नहीं दिया, कैसे करेंगे? तो एक टर्म है हम लोग का बाबू, मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर आप जान लो। मैजिक नंबर हम लोग किसे बोलते हैं? एक नंबर है 2888 1832। ये इस पूरे सेट को हम लोग बाबू मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। ध्यान देना इधर, इस पूरे सेट को हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। मैजिक मतलब जानते हैं जादू, तो इसके जादू से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे इतना तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो आपको जरूर पता होगा। एक आपको क्या करना है, जितने भी गैप है उसमें ये मैजिक नंबर सेट करना है। जैसे 1 और हाइड्रोजन के बीच में मैं डाल दूंगा 2, फिर अगला लिखूंगा मैं 8, फिर 8, फिर 18, और यहाँ पे आपको लिखूंगा 32। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 1, 2, 3 ऐड करते चले जाना है। 3, 8, 11, 11, 8 बोलो 19, 19, 18, 37, 37, 18 कितना होगा बाबू बोलो 55, अब 55 और 32 कितना हो जाएगा 87। तो ये मैजिक नंबर बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 के बाद हम लोग एटॉमिक नंबर नहीं याद रख पाते हैं। पूरे पीरियड टेबल को याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, आप पीरियड टेबल को ट्रिक से याद रख सकते हैं। अभी हम लोग इस ग्रुप को भी ट्रिक से याद रखेंगे। तो आप पीरियड टेबल में आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, कि आपको ट्रिक लगाना होगा। पीरियड टेबल में आपको क्या लगाना होगा? ट्रिक। अगर आप पीरियड टेबल को ट्रिक से याद करते हैं तो पूरे पीरियड टेबल को याद कर सकते हैं। तो बाबू मैं याद रखूंगा कि आप जरूर इसको मैजिक नंबर को अप्लाई करोगे अपने लाइफ में। जब भी कभी भी आपको एटॉमिक नंबर हेवियर एलिमेंट्स का नहीं आता है तो आप मैजिक नंबर अप्लाई करोगे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ मैजिक नंबर अप्लाई कैसे करते हैं, मैजिक नंबर को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे जो ग्रुप था इसमें 7 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये जो एलिमेंट है ये मैजिक नंबर का सेट है, ये सेट लेकिन आपको याद रखना होगा। अब गलती से आप 2, 2 कुछ अलग नंबर अप्लाई करेंगे तो फिर ये सेट फुलफिल नहीं होगा। मतलब एग्जैक्ट आपको यही सेट ऑफ नंबर उठाना होगा, ये तो आपको या मतलब रट के रखना होगा। 2 क्या है सेट बाबू? 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्या करते हैं इस नंबर को? जैसे किसी ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट तो सबको याद आता है, इसलिए 20 और 30 तक याद करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि 20 30 तक याद रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1। आपको लिथियम का पता करना है तो 1, 2, 3 ऐसे लिथियम का पता ही होता है। 3, 8, 11, 11, 8, 19, 19, 18, 37, 37, 18, 55, 55, 32, 87। तो अब आप पता कर सकते हैं। तो आप बताइएगा रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, क्या आप ट्राई करेंगे रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे ट्राई करते हैं। एक चीज देखना है, अब बताना जैसे इसमें 7 एलिमेंट था तो गैप कितने थे बाबू? 1 गैप 2 3 4 5 6 गैप थे यहां पे। लेकिन देखना यहां पे एक एलिमेंट कम है, यहां कितने एलिमेंट है? 6 ही है। यहां क्या करेंगे? तो अगर बाबू अगर 6 एलिमेंट है तो ऊपर से एक हटाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन होगा अगर 5 एलिमेंट हुएंगे तो क्या एक और हटा दूंगा, ऊपर से ही हटाते हैं हम लोग, याद रहेगा। यहां आप 2 अगर इंक्लूड करके डालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, कहां से डालेंगे? 8 ये आगे से मैंने हटाया है। क्यों हटाया है? क्योंकि एलिमेंट कम है तो गैप कम हो जाएगा। तो 8 8 18 18 और कितना बोलिए? 32।
क्या? कम से कम मैं उम्मीद करता हूं बिल्डिंग का ट्रिगोनोमेट्री याद होगा, कितना? चार, चार आठ बारह, बारह आठ बोलो बाबू बीस, बीस अठारह, बीस अठारह थर्टी एट, थर्टी एट अठारह छप्पन, छप्पन और ये कितना हो जाए बाबू? एट्टी एट, एट्टी एट, ठीक है। तो आपको याद रखना है मैजिक नंबर लगाते कैसे, मैजिक नंबर हम लोग लगाते कैसे हैं, मैजिक नंबर हम लोग लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो मैजिक नंबर का ये सेट है टू एट, टू एट एट, एटीन एटीन थर्टी टू, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, उम्मीद है आ गया होगा। आगे हम लोग ऐसे ही करें, हर जगह करेंगे। एक चीज और मैं बताता हूं, जैसे बच्चों को हम लोग ना ग्रुप वाइज एलिमेंट बोलते हैं कि आप ग्रुप वन याद करो, ग्रुप टू याद करो, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, क्योंकि हम लोग की आगे जो स्टडी है, हम लोग के एलेवेंथ में ट्वेल्थ में जो स्टडी है ब्लॉक वाइज होता है कि आपको एक चैप्टर एस ब्लॉक का होगा, अगला चैप्टर पी ब्लॉक के बारे में होगा, अगला चैप्टर डी ब्लॉक के बारे में होगा, तो एफ ब्लॉक होगा। तो आपके एकदम है ना जवान पे एकदम रटा होना चाहिए हर ग्रुप। तो जैसे ये ग्रुप वन है, क्या आप लोगों को याद है? उम्मीद कर रहा हूँ आया याद है। अगर आपको नहीं याद है तो बाबू इसको हम लोग कैसे याद करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे जो हम लोग का ग्रुप वन है उसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जैसे हम लोग जो पीरियडिक टेबल हैं, जनरली हम लोग तो लॉन्ग काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं तो याद आते हैं, बच्चे भी याद करते हैं, लेकिन बच्चे को हम लोग ट्रिक बना देते हैं। जैसे H फॉर यहाँ लिखते हैं हम लोग हे, ली, हे ली ना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, मतलब जैसे हम लोग ना कुछ टर्मिनोलॉजी बना लेते हैं याद करने के लिए, हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी याद कर लेते हैं। अगर आप ऐसे याद कर सकते हो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग दिनों तक याद है तो टर्मिनोलॉजी से याद करते हैं। हेलिना की रब से फरियाद, हे मतलब एच, ली मतलब हमने यूज किया एल आई के लिए, ना मतलब एन ए, की के रब बोले तो आर बी, और से मतलब सी जी एम, और फरियाद एफ आर, ठीक है। वैसे ही बाबू हम लोग ग्रुप टू के लिए भी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आपने पहले कभी सुना भी होगा, बेटा मांगे कार सुंदर, या स्कूटर बाप राजी, ऐसे भी लोग यूज करते हैं टर्म। इसमें दो टर्म यूज करते हैं लोग, कन्या, कन्या कैसा होना चाहिए? सुंदर। कन्या कैसी होनी चाहिए बाबू? सुंदर, बाप राजी। तो ऐसे करके हम लोग ना हर एलिमेंट को मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पीरियड टेबल बहुत बड़ा है, 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट को याद रखना और लॉन्ग टर्म तक याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ये फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात की है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप शॉर्ट ट्रिक करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस पे आते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने ये बताया था कि एस ब्लॉक किसे बोलते हैं, वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर करे। आपको एस सबसेल, पी सबसेल, डी एफ सबसेल से आपको रूबरू है आप, तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में ये आपका एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है या नहीं, या उससे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, हीलियम के बारे में आपका क्या ख्याल है? हीलियम का एटॉमिक नंबर टू होता है 1s2। जो मैंने डिफिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग बताओ, मैंने बताया है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हीलियम का आप देखो, सबसे पहले हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एस में जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हीलियम को एस ब्लॉक होना चाहिए। लेकिन जब आप पीरियडिक टेबल खोलोगे तो आपको उम्मीद है आपको याद होगा कि ग्रुप 18 में, ग्रुप 18 जिसको हम लोग जीरो फैमिली बोलते हैं या इनर्ट गैस फैमिली बोलते हैं, इनर्ट गैस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली में अगर आप ध्यान दोगे तो हीलियम को रखा गया है वहां पे, हीलियम, नियन
आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, ठीक है? ठीक है, तो अब ये ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कि हीलियम का एटॉमिक टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, होना चाहिए इसको किस में, एस ब्लॉक में, लेकिन ये है किस में, पी ब्लॉक में, ग्रुप 18 में, ऐसा क्यों? तो बाबू हम लोग का जो पीरियड टेबल बनाया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ही बनाया गया है, और ऐसा बनाया गया है कि हम लोग प्रॉपर्टीज को इजिली रीड कर पाए, ठीक है? इनर्ट गैस फैमिली से इसका प्रॉपर्टीज मैच करता है, नो डाउट इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मिलती है एस से, सॉरी प्रॉपर्टी कहां से मिलती है, ग्रुप 18 से, इनर्ट गैस से, इसलिए इसको कहां रखा गया, 18 में। मतलब हम लोग के पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्टों ने किया है वो सबसे ज्यादा फोर्स कहां किया है, प्रॉपर्टीज के आधार पर, जो प्रॉपर्टी जो जैसा मिलता है उसको वैसे डाला गया है, ठीक है? तो ये आपको एक्सेप्शनली याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट कर चुका है, हर एग्जाम में आ चुका है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको होना चाहिए एस ब्लॉक में लेकिन है वो पी ब्लॉक में, हीलियम। और एक चीज मैं और इन्फॉर्म कर देना चाहूँ बाबू, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन क्या है, 1s1 है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसका एक ड्रॉबैक अभी तक है कि हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है? और अगर आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से देखोगे तो देखना आपको हाइड्रोजन वहां पर रखा है क्या, नहीं रखा है। हाइड्रोजन का क्या किया है, बीच में डाल के रखा है, ठीक है? आप देख सकते हो हाइड्रोजन को कहां डाल के रखा है, बीच में डाल के रखा है, ठीक है? तो अब बचे कितने, तो बचे 6-6, कितने 12 ही एलिमेंट बचे, तो ओवरऑल एस ब्लॉक में टोटल 12 ही एलिमेंट है। लेकिन अब इसमें बात करते हैं इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग की, कभी कभी सिर्फ सबसेल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हीलियम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब तो ऐसे कितना हुआ, 7, 6, 13, 14 हो जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिनली बात करें हटा के हाइड्रोजन और हीलियम को हटा के, तो कितने होंगे इसमें आपको, 12। अब चलना, इस ग्रुप का प्रॉपर नाम है, आपको शायद पता हो कि ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाबू अल्कली मेटल होता क्या है, ठीक है? और जो ग्रुप 2 वाले हैं बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 वाले को क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, अल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है? तो सबसे पहला टर्म है कि अल्कली मेटल किसे बोलते हैं। तो आपने कभी बेस सुना है, बेस, एसिड बेस, इतना कॉमन सेंस होगा, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे एसिड के बारे में। वैसा सब्सटेंस जो H प्लस फर्निश करता है इन वाटर या एक्वस मीडियम, H प्लस जो फर्निश करता है, या चाहो तो आप फर्निश की जगह पे रिलीज वर्ड यूज कर सकते हो, दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है केमिस्ट्री में, फर्निश मतलब H प्लस छोड़ रहा है, या उसी को हम लोग यूज करते हैं रिलीज, ठीक है? अरे हाँ या ना। तो एसिड क्या है बाबू, एसिड H प्लस फर्निश करता है, और बेस क्या करता है बाबू, OH माइनस क्या करता है, फर्निश करता है। एसिड बेस के बारे में कौन से पता होगा, तो हम लोग बेस किसे बोलते हैं, वैसा सब्सटेंस जो OH माइनस फर्निश करते हैं उसको बेस बोलते हैं, और वैसा सब्सटेंस जो H प्लस फर्निश करता है उसको एसिड बोलते हैं। तो अल्कली मेटल को हम लोग पता है, जो ये जो अल्कली मेटल ग्रुप 1 वाले सबको हम लोग, सबका जो ऑक्साइड है सब बेसिक होता है, ठीक है? और एक चीज और आपको याद रखना होगा कि अगर जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं, मतलब वो बेस, बेस के लिए कंडीशन है कि वो रिलीज क्या करे, बस OH माइनस, तो बेस हो गया। लेकिन बेस में फर्दर कैटेगराइज किया गया है कि वैसा बेस जो पानी में घुले, हर बेस पानी में नहीं घुलता है, जो बेस बेस वाटर में घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्कली। मतलब क्लियर है कि ग्रुप 1 वाले का जितना भी मेटल ऑक्साइड है सब बेसिक इन नेचर होगा, और साथ साथ सबका सब वाटर सॉल्युबल होगा, इसलिए क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। अगला पॉइंट है, यहां टर्म लगा है, यहां भी अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मैं बता देना चाह रहा हूं इस ग्रुप में भी जितने एलिमेंट है सबका ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, और बेसिक इन नेचर के साथ साथ लगा है अल्कली, मतलब ये नो डाउट है इनका भी बेस क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। क्या होगा बाबू, वाटर सॉल्युबल। एक और टर्म लगा है अर्थ मेटल। अर्थ मतलब क्या है, इनके जो बेसेस होते हैं ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ये इनके ये जो एलिमेंट है इनके ऑक्साइड
अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो है अर्थ क्रस्ट में पाए जाने के कारण अर्थ मेटल नाम लगा है। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। तो ये दो चीज हम लोग देखे हैं कि ग्रुप वन को हम लोग कैसे याद करेंगे, ग्रुप टू कैसे याद करेंगे, मैजिक नंबर क्या होता है, कौन इसका एक्सेप्शन है, कौन कौन एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग टर्म बात करते हैं, अल्कली मेटल क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस और अल्कली में डिफरेंस क्या है, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, ये हम लोग डील किए हैं। हाँ या ना। अब हम लोग ना एस ब्लॉक के बारे में कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, एस ब्लॉक के बारे में कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। सबसे पहले आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं, दूसरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक जो मेटल होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इजिली कट विथ नाइफ। मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, आप हेडिंग में लिख सकते हैं, सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। टॉपिक क्या है हम लोग का, जनरल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, दीज आर सॉफ्ट मेटल, दीज आर क्या बाबू, सॉफ्ट मेटल एंड इजिली कट विथ नाइफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। आपको पता होना चाहिए सोडियम पोटासियम का रिएक्शन एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, अगर सोडियम पोटासियम को जस्ट पानी में फेंक दोगे तो जैसे बम फटकता है, बम फटता वैसे फटता है। दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर सॉफ्ट मेटल एंड इजिली कट विथ नाइफ, ये पॉइंट है। दूसरा, इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, दे हैव लो एमपी एंड क्या बीपी, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बाबू, काफी कम होगा। हाँ या ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी में, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये जो बाबू टर्म है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, आप बताओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और आपको इतना कॉमन सेंस होगा कि जितने भी मेटल होते हैं उनमें एक सबसे पहला यही प्रॉपर्टीज होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना जानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देयर ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यहां जितने भी ऑक्साइड बनेंगे देयर ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और आपको अगर थोड़ा भी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता होगा तो रेडॉक्स में पढ़ा पता होगा आपको, रेड फॉर जो टर्म है हम लोग का जो रेडॉक्स टर्म बनता है उसमें रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, और आपको याद होगा जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक उल्टा होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो आपके एस ब्लॉक वाले होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, आप एस ब्लॉक वाले को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक वाले क्या होंगे, तो मैं एक रिएक्शन से आपको समझाता हूं। जैसे एक कॉमन रिएक्शन लिखता हूं बाबू जो इतना कॉमन है जो आप लोग हमेशा देखते हैं, जैसे Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस से बनता है NaCl, ठीक है, हाँ या ना। जिसमें आपको पता होगा कोई मेटल अगर फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या लिखते हैं,
जीरो, क्या लिखते हैं ये भी सेल्फ कंबाइंड स्टेट में है, क्या होगा जीरो। एन ए आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ये प्लस और ये क्या माइनस, ठीक है। तो आपको अगर ये केमिकल रिएक्शन अगर फील करोगे तो आपको पता होगा इतना कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के एन ए प्लस इलेक्ट्रॉन में बन रहा है, और सी एल जो बाबू है सी एल वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है सी एल माइनस बन रहा है। आप कॉन्फिगरेशन भी देख सकते हैं, इसका पहले कॉन्फिगरेशन कितना था बाबू 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये 28, आपको इतना पता होगा ऑक्टेट थ्योरी, लुईस का ऑक्टेट थ्योरी पता होगा कौसे लुईस का, कि हर एलिमेंट चाहता है इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके या शेयर करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद क्या होता है स्टेबल हो जाता है। तो सोडियम क्या करेगा जो स्टेबल हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आपने पढ़ा होगा ये टर्म रेडॉक्स, ये काफी बेसिक है। रेडॉक्स का मतलब होता है रीड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मीनिंग क्या होता है बाबू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बाबू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ठीक है। तो आपको इस रिएक्शन में बताना है कि कौन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। तो यहां सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहां हम लिख सकते हैं हम लोग क्या हो रहा है प्रॉपर लॉस, क्या हो रहा है बाबू लॉस हो रहा है। तो लॉस वाले टर्म में क्या हो ऑक्सीडेशन, क्लोरीन वाले केस में क्या है इसका होता है बाबू 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा 288। आप देख सकते हैं यहां इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है गेन हुआ है, अगेन हुआ है, तो टर्म क्या बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, ठीक है। और आपको पता होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है बाबू रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहां सोडियम कैसा बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, हाँ या ना। अब क्लोरीन कैसा बिहेव कर रहा है बाबू, यहां इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, हाँ या ना। तो अब देखना है आपको कि मैंने यहां आपसे पूछा था पॉइंट कि जो ग्रुप वन वाले होंगे एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक वाले ग्रुप वन ग्रुप टू वाले होंगे वो कैसे नेचर के होंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिड्यूसिंग नेचर। तो आपको ये पता होगा ग्रुप वन में जितने एलिमेंट हैं, ग्रुप वन में आपके जितने भी एलिमेंट हैं सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट है सोडियम लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट क्या है फ्रांसियम, इसका क्या है 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s1। तो जिस जितने हैं सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, सब रेडियली चाहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इमिडिएटली उनका आठ हो जाए, तो ये सब के सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ग्रुप में एस ब्लॉक में ग्रुप वन या ग्रुप टू दोनों में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्या होते हैं दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दे एक्ट एज ए बाबू क्या रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट है आपके, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो टर्म है एक बार देख लेता हूँ क्या क्या पढ़ा है मैंने, ये आप नोट कर लिए ये सब, ठीक है। पी ब्लॉक से पहले हम लोग कुछ और टर्म लिख लेते हैं, ये छह टर्म हो गया, उसके बाद देखना और सातवां पॉइंट क्या है। सातवां पॉइंट है हम लोग का बाबू सातवां पॉइंट है कि ग्रुप वन और ग्रुप टू में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा। तो मैंने एक टर्मिनोलॉजी पहले भी यूज किया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपका ग्रुप वन है ग्रुप वन वाले को हम लोग बोलते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
ग्रुप वन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ग्रुप टू वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या आप बताओगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, दोनों तो ऐसी ब्लॉक के हैं, ग्रुप वन भी एस ब्लॉक के हैं, ग्रुप टू भी एस ब्लॉक के हैं। हाँ, तो ग्रुप वन वाले हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ग्रुप टू वाले लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रुप वन से आप मान लीजिए एग्जांपल लिए सोडियम 11 है, कितने होंगे 281, और मैग्नीशियम आपका कितना है बाबू 282, ठीक है। ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, इसमें कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप ही को डोनेशन करना हो, मान लो आपको 1 लाख करना हो, इनको 2 लाख करना हो, तो बताइए डोनेशन करना आसान किन के लिए होगा, जिनके पास कम अमाउंट में होगा। तो इसको बस एक ही डोनेट करना है, इसको कितना डोनेट करना है 2 है, तो इसको मोह माया ज़्यादा ज़्यादा होगा कि 2 कैसे हम लूज कर दें, मेरा 2 जा रहा है, इसको कम मोह माया होगा, एक ही जा रहा है, हाँ या ना। तो सोडियम जो है बाबू वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बाद क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, लेकिन इसको 2 है तो न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यहाँ पे नहीं जाने देगा, माया काम करेगा ना, मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मेरा जा रहा है, ठीक है। तो सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि एक के बाद ही ये ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, तो ये ज़्यादा उत्सुकता दिखाएगा, ज़्यादा एक्साइटेशन दिखाएगा ऑक्टेट के प्रति, ये थोड़ा सा कम दिखाएगा, इसलिए इसको हम लोग ये पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि जो ग्रुप टू वाले हैं वो लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ग्रुप वन वाले हैं जो वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये पॉइंट है हम लोग का एस ब्लॉक में। ग्रुप वन आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ग्रुप टू आर लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ग्रुप टू आर क्या बाबू, लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, हाँ या ना। अब बात आती है इनके बॉन्डिंग की, बात आती है इनके बॉन्डिंग की कि एस ब्लॉक वाले किस किस टाइप का बॉन्डिंग करते हैं। अभी तो बाबू हम लोग प्रायोरिटी टेबल ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग को चैप्टर पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, जनरली कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। बॉन्ड में बाबू हम लोग को पढ़ना है, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है बाबू हम लोग का वीक बॉन्ड, ठीक है। ये एक रफ आइडिया दे रहा हूं जो आपने 9-10 में भी पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में सबसे पहला हम लोग का टर्म होता है आयनिक बॉन्ड, क्या होता है बाबू, नेक्स्ट टर्म हम लोग का आप लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, किसी बुक में मेटालिक बॉन्ड पहले लिखा होगा, आगे पीछे करने से कोई मतलब इशू नहीं होने वाला। नेक्स्ट है हम लोग का मेटालिक बॉन्ड, क्या है, मेटालिक बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में लास्ट है हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उम्मीद है कि आप लोग कम से कम नाम तो जानते होंगे सबका, या हो सके आप 11th क्लास में हैं 10th में इसका नाम नहीं सुने होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन कम कंफर्म है कि आयनिक बॉन्ड जरूर सुने होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड भी सुने होंगे, ठीक है, नहीं सुने मेटालिक बॉन्ड भी नहीं सुने, नो डाउट, मतलब हाँ आयनिक और कोवेलेंट से सीखे हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बारे में एक रफ आइडिया मैं बताता हूँ, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तब मैंने जो एग्जाम्पल अभी लिखा था NaCl का, वो आपका आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल था, जहाँ आपने देखा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, तो इस टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आपने कोवेलेंट बॉन्ड भी जरूर देखा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इससे याद होगा आपका, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है 2 करने के लिए, याद है, शेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, हाँ या ना। तो ये कम से कम 2 टर्म आप जानते होंगे, क्या हो, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक चीज आप सोच के बताओ, ग्रुप वन वाले आयनिक बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं,
तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे नहीं, करेंगे ही कन्फर्म, किसी न किसी नॉन मेटल को अप्रोच करेंगे कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। क्या मेटल में टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। नो डाउट मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी ये भी बात है कि कोई अगर लेने वाला नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देखना, देखा आपने कि सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम 11 है 281, और क्लोरीन बाबु 17 है, कितना है 287। सोडियम अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा कितना 8, और ये 8 हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी मेटल को एक साथ चाहिए नन मेटल का जो उसका इलेक्ट्रॉन ले, इतना कॉमन सेंस होगा। मेटल पे प्लस, नन मेटल पे माइनस, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, इसलिए हम लोग आयनिक बॉन्ड को एक और नाम देते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। मैं एक और नाम लिख देता हूँ इसको, हम लोग एक और टर्म से जानते हैं जिसका नाम बोलते हैं, बड़े अक्षरों में नीचे लिख दे रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड का बाबू एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, चार्ज पार्ट के लिए दो चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रुप वन ग्रुप टू में है सबके सब मेटल है, सब चाहेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्ट करना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको नन मेटल मिला तब तो दे पाएंगे, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं मिला तो बाबू पता है क्या होता है, तब वो अपने मेटालिक बॉन्डिंग में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, मान ली प्योर मेटल का कोई सीट हो, प्योर मेटल का कोई सीट हो, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, मान लो आयरन का ही एक सीट है, आयरन मेलेबल डक्टाइल होता है, मेटल में प्रॉपर्टीज है मेलेबल डक्टाइल का, आप थीन सीट क्रिएट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप मैं ऐसे वजह से, आप लोग जानते होंगे गोल्ड की प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड, हम लोग 24 कैरेट गोल्ड जाके आप खरीद सकते हैं, बैंक वैंक में गोल्ड का सिक्का मिलता है, ठीक है? तो आप इमेजिन करो कि 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या, सिर्फ उसमें एटम सिर्फ किसके किसके होंगे, गोल्ड गोल्ड के ही एटम होंगे। तो ये अभी आप कभी सोचते हो कि ये एटम एटम कैसे बंधे होते हैं, तो ये अपने मेटालिक बॉन्ड में बंधे होते हैं। मेटालिक बॉन्ड में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग आके केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये सोडियम है मेटल है, ठीक है, ये किसी नन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर लिया, लेकिन अगर कोई अगर क्लोरीन उसको अप्रोच ही नहीं किया तब तक वो किस फॉर्म में रहेगा? तब तक तो वो बेचारा सोडियम के फॉर्म में रहेगा ना, मतलब सोडियम का बार ले लो, एक टुकड़ा ले लो सोडियम का, वहाँ सोडियम का क्या सीन होगा? तो सोडियम के एटम से ही बंधे होते हैं ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बाबू? उम्मीद करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि मेटल को नन मेटल मिलेगा तब तो नन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तब तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर नन मेटल के पास कोई मेटल के पास नन मेटल अप्रोच नहीं किया तब क्या करेगा? वो अपने मेटालिक बॉन्ड में रहता है, ठीक है? यहाँ पे सोडियम का एक बार होगा, बार होगा तो उसमें सिर्फ सोडियम 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 के एटम होंगे, तो वहां पे कुछ तो होगा ना कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स होगा, कोई बॉन्ड होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड, मतलब मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग। गोल्ड का ही मान लो सीट है, उसमें सिर्फ गोल्ड गोल्ड के एटम ही अरेंज होंगे। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अगर आप गोल्ड बोल रहे हैं, गोल्ड मतलब सिर्फ गोल्ड ही है उसमें। अगर आप आयरन बोल रहे हैं, आयरन एलिमेंट है, अगर आप आयरन का बार ले रहे हैं, रड ले रहे हैं, तो उसमें प्योर अगर है तो, अगर इम्प्योर है तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। एलिमेंट का मीनिंग ही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब जो वैसा मैटर जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो टर्म है ये कितने टाइप का बॉन्ड बनाएगा। तो एक तो बनाएगा आयनिक बॉन्ड, और दूसरा आपका क्या बनाएगा बाबू? मेटालिक बॉन्ड। तो क्या लिखूंगा, 8वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। दे फॉर्म बाबू क्या लिखोगे? आयनिक बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। एक बार इसको आप देख लो,
ठीक है। एक और टर्म है बाबू, ये लिख लिया आपने, ठीक है। एक और टर्म क्या है, 9 नंबर पॉइंट है ना, दे हैव लो आयनेशन एनर्जी। अब ये सब कुछ टर्म्स हैं जो इसी चैप्टर में आगे हैं, लेकिन हम लोग अगर जनरल प्रॉपर्टीज लिखते हैं, जनरल प्रॉपर्टी, तो जनरल प्रॉपर्टी में सब एक रफ आइडिया देते हैं। आयनेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनेशन एनर्जी। मतलब रफली मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे तो आयनेशन एनर्जी का कंप्लीट डिफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आयनेशन एनर्जी क्या होता है। तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी। इसका ऐसे तो कंप्लीट डिफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस। तो ये टर्मिनोलॉजी है, तो मैं जिस दिन आयनेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा वहाँ डील करूंगा कि न्यूट्रल क्यों लिखते हैं, आइसोलेटेड क्यों लिखते हैं, गैसेस एटम क्यों लिखते हैं। लेकिन रफली मैं एक आइडिया देता हूँ आयनेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको आयनेशन एनर्जी बोलेंगे। अब यहाँ पे लो टर्म क्यों लिखा है, तो आप देख सकते हैं अभी आपको पता है कि सोडियम तो इजिली देता है इलेक्ट्रॉन, सोडियम पोटासियम जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं, इजिली देते हैं। तो ये कम ही एनर्जी पे, कम ही टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, तो इसका क्या लिखा है हमने, दे हैव लो आयनेशन एनर्जी, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट क्या है, 10 नंबर कि प्रॉपर इसमें दो ब्लॉक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल बोलने का मीनिंग क्या है, अल्कली मेटल बोलने का मीनिंग क्या है, देयर देयर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, देयर ऑक्साइड इज बाबू बेसिक इन नेचर एज वेल एज वाटर सोलबल। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वाटर सोलबल, ठीक है। और ग्रुप 2 के बारे में क्या लिखते हैं बाबू, ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें क्या लिखते हैं, देयर ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, ऑल्सो बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर एज वेल एज वाटर सोलूबल। ये भी वाटर सोलूबल होंगे एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट जनरल पॉइंट था एस ब्लॉक के लिए मैंने लिख दिया, एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखा होता है बाबू, अर्थ क्रस्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ इसलिए लगा होता है क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट पर आते हैं, एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे आगे छोड़ते हैं, आगे हम लोग करेंगे, आज पहली क्लास थी तो हो सके तो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।